तो जी हाँ, मैं एक बार दोबारा से आ चुका हूँ। वैसे यार एक सवाल तुम लोग से, क्या तुम लोग मुझे मिस करते हो? भाई कम से कम झूठा हाँ ही बोल देते यार, थोड़ा दिल को सुकून मिल जाता। भाई तुम लोग ऐसे बेइज्जती कर रहे हो, गलत बात है भाई। ठीक है कोई बात नहीं, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है मित्रों इस ब्रांड न्यू टाउनिंग प्ले सीरीज में। तो आज अपन खेलने वाले माइनक्राफ्ट वॉर। आज अपन बनाने वाले अपने वर्ल्ड में चिकन फार्म, क्योंकि अपनी पूरा पूरा खाना खत्म हो गया भाई। बस एक 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 टुकड़ा बचा हुआ है। अब ये टुकड़ा जल्दी से खत्म हो जाएगा, मुझे पता है, बहुत कम टाइम लगेगा इसको खत्म होने में। तो लेट्स गो, चलते अपना चिकन फार्म बनाने और अपन खाएंगे चिकन डिनर। और ऐसे तुम लोग को भी पार्टी इनवाइट कर दूंगा, आ जाना खाने, ठीक है? और पैसा पैसा लेके आना, 10-20 रुपये चिकने के लिए, ठीक है? ओके, तो फालतू बात अब ध्यान ना देते हैं और जल्दी फटाफट से अपना फार्म बनाते हैं, क्योंकि अपने को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें और सामान में फालतू पड़ा हुआ बहुत सारा। लेट्स गो, चलते हैं अपने फार्म के पास। ओके, लेट्स गो, अपन पहुंचने वाले हैं जल्दी से। और मैं सोच रहा भाई अपना ये फार्म यहीं पर बना ले, क्योंकि यहाँ पे यार थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस तो नहीं है। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, मेरे को नहीं भाई, ये जलता है ना, थोड़ा सा बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अपने नेदर में जाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेट्स गो, अपना फटाफट से फार्म बनाने का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपने को बहुत सारा सामान चाहिए और वो सामान इकट्ठा करता हूँ और मिल जाऊँ 2 मिनट के अंदर। तो तब तक के लिए तुम लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, लगे हाथ ऐसे कर लिया करो ब्रो, अच्छा लगता है, ठीक है? ओके, तो अपन पूरा सामान ले चुके हैं, ठीक है? अब सारी सारी चीज़ें मैंने ले चुका हूँ, देख सकते हैं कि मैं इन्वेंट्री में देखो इतनी सारे सामान की जरूरत पड़ेगी और वो चीज़ें मैंने ले रखा है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं और फालतू सामान इसमें रखवाते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके लेट्स गो, तो अपन बनाने का स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले अपना करेंगे डिग यहाँ पे 2 ब्लॉक, ठीक है? ताकि अपने यहाँ पे चेस्ट लगेगा। और अपना ब्लॉक डालते हैं और अपना चेस्ट ले लेते हैं अपने हाथ में और लगे हाथ हॉपर भी ले लेते हैं, ठीक है? तो अपना लगेगा 2 चेस्ट यहाँ पे और एक और यहाँ पे डिक कर लेना अपना हॉपर लगाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे अपना लग जाएगा हॉपर और इसके जस्ट आगे लग जाएगा अपना डिस्पेंसर। लेट्स गो, डिस्पेंसर लग चुका है। अब इसके ऊपर लगाना है अपना स्लैब, ये हॉपर के ऊपर। लेट्स गो, अपना हॉपर लग चुका है और हॉपर के ऊपर स्लैब भी लग चुका है। इसके बाद जरूरत पड़ेगी आपको अपने कंपैरेटर की और रिपीटर की। तो अपना कंपैरेटर ये रहा, अपना रिपीटर ये रहा। तो कंपैरेटर सबसे पहले लग जाएगा अपना कुछ इस प्रकार से और इसके जस्ट आगे लग जाएगा अपना रिपीटर और फिर उतर के दूसरा रिपीटर लग जाएगा अपना जस्ट इसके बगल में। ओके, तो अपने कुछ अब रेड स्टोन डस्ट और रेड स्टोन कुछ इस प्रकार से प्रॉपर लगा देना है अपना, लेके ऐसे ऐसे और यहाँ पे। अरे चल रहे भाई, ओके यहाँ पे, और गलती से नहीं, ये यहाँ पर नहीं लगाना, इसको तोड़ देना, इसको हटाने के बाद यहाँ पे लगा देना। तो अपने ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा, पता नहीं क्या लगता है, मुझे नहीं पता, बट लग रहा है, ठीक है? फिर आप कोई सा भी अपना टेम्प्रेरी ब्लॉक उठाना और यहाँ पे दोनों दोनों प्लेस करना। देखो मैंने स्मूथ स्टोन इसलिए लिया गया, थोड़ा सा देखने को एक्सपेंसिव लगता है, ठीक है? फिर अपने लेना अपना ग्लासेस और ग्लासेस कुछ इस प्रकार से प्लेस कर देना आपको। ओके, तो अपना ग्लास प्लेस करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको हॉपर लेना और यहाँ पे प्लेस कर देना जस्ट इसके अपना डिस्पेंसर के ऊपर, ठीक है? और फिर अपने यहाँ पे तीन अपना आ जाएंगे हॉपर हॉपर और यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत डॉट्स की। तो डॉट्स मेरे पास या फिर है, ओके है, फैन है, अपना ले लेना डॉट और यहाँ पे प्लेस करना है और इसके ऊपर चढ़ जाना। फिर आपको यहाँ पे से कायदे से 3 की जरूरत पड़ती, बट ठीक है, अपने पास 2 है, 2 भी इनफ है। और फिर आपको कैजुअली क्या करना है, पूरा पूरा इसको ग्लास से कवर कर देना कुछ इस प्रकार से। देखो अपना ये साइड हो गया, फिर जस्ट इसके पीछे एक प्लेस कर देना यहाँ पे और यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है? और गलती से लग गया, वैसे छोड़ो उसको, उसको थोड़ा टाइम लगेगा तोड़ने में। एक काम करते हैं, पहले एक काम कंप्लीट करते हैं। तो अपना लेके जाएगा एक यहाँ पे, ठीक है? और फिर इसको भी ढकना पड़ेगा यार, 1 मिनट इसको। अरे अलग ही सीन हो रहा है भाई, मैं कहाँ कहाँ फंस रहा हूँ। ओके फाइन, पहले इसको तोड़ लेते हैं और फिर इसको अपना दोबारा इसको यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। आ जा इन्वेंट्री में। हेलो, इन्वेंट्री में कहाँ गया यार ये? तो कम चेस्ट में नहीं गया ना। ओके सॉरी, डिस्पेंसर में गया ये। ओके फाइन, डिस्पेंसर निकालते हैं और इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं और इसके जस्ट सामने प्लेस करते हैं अपना एक ग्लास और इसको तोड़ लेते हैं। भाई एक्सेस से मत टूटियो, अलग ही सीन हो जाएगा। ओके, दोबारा से इसको निकालते हैं यहाँ से। ओके फाइन, तो अपना पूरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है लगभग तक तुम कह सकते हो, एकदम परफेक्टली। और ये काम करते हैं यहाँ पे अपना जाएगा पूरा, इसको तोड़ लेते, फालतू ये सामान पड़ा हुआ है। मेरे को 2 चीज़ें और करना है, इसके अंदर डालना है अपने चिकन्स और यहाँ पे लावा डालना है और इसके ऊपर स्लैब लगा देना है, ये भी काम करना बाकी है। तो लेट्स गो, फटाफट से करते हैं भाई। ओके फाइन, तो अपना लास्ट वाला भी स्लैब बाकी है, बस इसको इसको यहाँ पे और एक यहाँ पे लास्ट। ओके फाइन, तो वैसे मुझे इनको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी यार, क्योंकि यहाँ पे मान लो अपने चिकन्स आएंगे तो जाएंगे कहाँ से, बट नहीं, अपना अपना डर्ट लगा लेंगे, डर्ट या फिर कुछ भी लगा के चल जाएंगे आराम से, इजीली चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके फाइन, लेट्स गो, स्टोन ब्रेक ही काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। ओके लेट्स गो, अपने ये बन चुका है और अपन इसमें आराम से डाल सकते हैं मुर्गिया। और मुझे एक चीज़ और डालना पड़ेगा इसके अंदर अलावा, सबसे पहले फालतू सामान यहाँ पर रखवाते हैं इसको भी और बाकी सारे सारी चीज़ें इसमें, मतलब जितना भी मेरे काम का नहीं है सबके साथ प्लेस करवाते हैं। और बस अपने को लावा की जरूरत पड़ेगी
और ग्लासेस के भी रखवाते हो। फाइन, अब डालते हैं लावा को, क्योंकि लावा उसमें भी ज़रूरी है। और बस चिकन को डालना है, फिर अपना जो चिकन फार्म है ये एकदम बढ़िया तरीके से वर्क करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो फिर तब तक तुम वीडियो को लाइक कर लो। ओके फाइन, तो इसमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ता है, क्योंकि लावा जल्दी, अगर पानी की ज़रा ना फैले ना तो बढ़िया रहता है भाई, क्योंकि बहुत जल्दी फैलता है ये। ओके फाइन, अपने ये काम कर चुका है, अब बस लाना है मुर्गी को। तो मुर्गी दोनों और फिर लेके आओ। चलो फिर चलते हैं मुर्गी लाने। लिटरली बता रहा हूँ भाई, मैं पूरी पूरी जगह ढूंढ चुका हूँ, पर अभी तक, हाँ अभी अभी को मिली है भाई कोमड़ी। इधर कोमड़ी, वैसे वो अपने क्या नाम है भाई, मित पैट भाई को कौन कौन जानता है, कमेंट में जरूर बताना ठीक है। और हाँ, कोमड़ी कमेंट कर देना कोमड़ी। ओके यार, तुम लोग कमेंट में बताना कि क्या अपन लोग एक वो बनाए, क्या बोलते हैं, एक वो होता है कुछ तरीका होता है जिसमें नाम भी लिखते हैं। फिल्म टू भाई बनाए थे अपना पूरा उस पानी में, पानी के एरिया में, जहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन ले रहे थे उन बंदों का नाम लिख रहे थे, वैसे अपन भी बनाएंगे और थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। तो लेट्स गो, बड़ा से कॉमेडी को पहुँचाते हैं और फिर मिलते हैं 2 मिनट के अंदर। ओके फाइन, तो अपनी सारी सारी मुर्गियाँ इसमें आ चुकी हैं, आई मीन कॉमेडियाँ आ चुकी हैं, और बस अब इनको करना है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग बोलते हैं ना, फीडिंग, फीडिंग जो भी, ब्रीडिंग वेट एवर जो भी बोलते, मुझे नहीं पता, वो कराते हैं और फिर बस चिकन फार्म के लिए रेडी हो जाते हैं। सो फाइनली गाइस, अपना जो चिकन फार्म तो बन के एकदम मस्त हो चुका है, बट मैं यहाँ पे कम से कम 20 मिनट तक रुका, बट अभी तक कुछ नहीं बना भाई। थोड़ा सा मुर्गी छोटी छोटी हैं और उनको बड़े होने में टाइम लगेगा, तो पता नहीं कब तक टाइम लगेगा मुझे नहीं पता। तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक कर लो, अगर चैनल पर नहीं हो तो ऐसे सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जब अपना फार्म एकदम बड़े तरीके से वर्क करेगा तो आ जाना खाने, फ्री में मिल जाएगा भाई, पैसे वैसे मत देना, कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है। चलो फिर बाय बाय और टेक केयर। और मुझे पता है वीडियो बहुत शॉर्ट है, मतलब छोटी है, तो फिर आई एम सॉरी इसके लिए। मैं कल वीडियो लॉन्ग डाल दूंगा ना भाई, अभी थोड़ा सा इशू है समझ लो ठीक है, बस ऐसे ही। ओके फिर चलो बाय बाय और टेक केयर, और थंब दिखा के जाओ।